हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। रेसिपी देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। जी हाँ, सबकी पसंदीदा रेसिपी जो हम अक्सर वीकेंड पर खाना पसंद करते हैं, छोले भटूरे। बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाएंगे और वो भी बहुत झटपट से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप जो है छोले रात को भिगो कर रख दिए थे, और उसी के साथ में मैंने उसमें 3 बड़े चम्मच चने की दाल भी डाल रखी है, जो इससे क्या है छोले की जो ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सी थिकनेस आती है। तो ये रात को भी मैंने भिगो के रख लिए थे। अब हम इन्हें बॉयल कर लेते हैं। छोले बॉयल करने के लिए मैंने कुकर में 5 बड़े कप पानी डाल के रखा हुआ है। अब इसमें छोले डाल देंगे बॉयल करने के लिए। पानी गर्म हो चुका है और साथ में ही मैं इसमें ये मैंने चाय पत्ती का पानी जो है अलग से बॉयल करके रखा हुआ है छान के, और वो भी इसमें मैं डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा छोलों पे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी मैं। और साथ में ही बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है। आप मीठा सोडा भिगोते वक्त भी डाल सकते हैं। आप एक बार इसको मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। इसको 5 से 6 सीटी आने तक हमने बॉयल करना है। ढक्कन लगा दिया है मैंने। जब तक छोले बॉयल होते हैं तब तक हम भटूरों का आटा लगा के रख लेते हैं। तो भटूरे का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा कप मैंने मैदा ले रखा है। मैदे को मैंने इसमें बड़े बर्तन में डाल लिया है। इसमें हम आटा लगाएंगे और साथ में ही यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच सूजी डाल रही हूँ। सूजी डालने से भटूरे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और इसमें मैं 3 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और बहुत थोड़ी सी मैंने इसमें शुगर डाली है पिसी हुई, और 1 चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ। घी ज़्यादा नहीं डालना है, घी या ऑयल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा नहीं डालना है। अब सभी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी हाथों से अच्छे से। बहुत अच्छे से सब चीज़ों को मिला लेना है, घी और जो भी हमने बाकी चीज़ें डाली है दही वगैरह। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम इसको पानी लगा के आटा गूंदेंगे इसका। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है सब कुछ। अब यहाँ पर मैंने इसमें 1 पैकेट इनो डाला है। पहले इनो पे पानी डाल के इनो को एक्टिवेट करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगाएंगे। सॉफ्ट सा पानी मैंने नॉर्मल पानी लिया है। जिस मेथड से मैंने आपको आटा लगाना बताया है भटूरे का, इसी मेथड से आप आटा लगाइएगा। बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम फूले हुए भटूरे बनेंगे। ये देखिए आटा लगाकर मैंने बिल्कुल इसका तैयार कर दिया है। अब इस पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। और यहाँ पर मैं इसको हल्के गीले कपड़े से ढक रही हूँ। अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं और देख लेते हैं कि छोले जो है हमने उबालने के लिए रखे थे वो कैसे तैयार हुए हैं। यहाँ देखिए मैंने गैस बंद कर दी थी और कुकर का ढक्कन भी हटा दिया था। छोले बिल्कुल तैयार हो गए हैं बॉयल होके। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कलर भी कितना अच्छा आ गया है। देखिए कितने सॉफ्ट एकदम बॉयल हो गए हैं छोले। तो अब हम छोले बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल रखा है और उस साथ में ही 1 चम्मच मैंने उसमें घी डाल दिया है, देसी घी। इसको भी मेल्ट होने देंगे। घी डालने से छोलों का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा घी यूज़ किया है।
अब इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। ये मैंने बड़ी वाली इलायची और छोटी इलायची को कूट रखा है। तेज़पत्ता लिया है, थोड़ा सा जायफल, लौंग, जीरा, काली मिर्च और दालचीनी, इसको तेल में डाल दिया मैंने। और साथ में ही मैंने हींग डाल दी है आधा चम्मच। इसको भून लेंगे एक दो मिनट के लिए। और साथ में मैंने यहाँ पर दो बड़े प्याज ले रखे हैं जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर रखा है, उसे भी डाल देंगे मसालों के साथ में। प्याज को भी भूनेंगे। और यहाँ पर लहसुन और अदरक एक एक चम्मच बारीक मैंने पीस रखा है, इसको भी डाल देंगे। अब सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ साथ में ही मैं एक बड़ी हरी मिर्च और अदरक डाल रही हूँ। अदरक को मैंने ऐसे लंबाई में कट कर रखा है। और एक चम्मच मैंने इसमें अनारदाना डाल दिया है कूट के। अनारदाना से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है छोलों में। और साथ में ही एक बड़ा चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। देखिए तड़का जो एकदम भुन गया है, प्याज हमारे एकदम लाइट ब्राउन हो गए हैं भुन के। अब हम इनमें सूखा मसाला डालेंगे। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आधा चम्मच काला नमक डाला है मैंने। नमक हमने छोले उबालते वक्त भी डाला था, इसलिए नमक टेस्ट करके ही डालिएगा। आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और दो चम्मच मैंने छोले मसाले डाला है इसमें। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे प्याज के साथ में एक मिनट के लिए। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें कि जो मसाले हैं वो अच्छे से भून जाएं और जले भी नहीं। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें मिल्क पाउडर। दो चम्मच मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। अगर आपके पास मावा रखा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास मावा नहीं था तो मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। इससे छोलों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में मैं थोड़ा धनिया डाल रही हूँ। और अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। ये दो बड़े टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी हुई थी, अब उनमें भी डाल देंगे साथ में। अब टमाटर को भी सभी मसालों के साथ में अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भून गया है। एक दो मिनट हो गया है मुझे इसको भूनते हुए। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक्कन लगा दिया और स्लो गैस कर दिया। यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार देख लेते हैं मसाले को। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसमें अब मैं ये छोले मैंने थोड़े से जो है 2-3 चम्मच मैश करके रखे हुए थे, इससे जो है छोलों की जो ग्रेवी है वो एकदम थिक बनेगी, तो वो मैंने डाल दिए हैं। तो पहले से मसाले के साथ में मैं इसको भून रही हूँ। अब हम इसमें छोले डाल देंगे। एक बार आप इसी मेथड से छोले बनाकर देखिएगा, जैसे छोले आप बाहर रेस्टोरेंट्स या मार्केट में खाते हैं स्टॉल्स पे, बिल्कुल वो ही टेस्ट आने वाला है आपको घर पे भी। तो यहाँ देखिए मैंने छोलों को अच्छे से मिक्स कर दिया है सारी ग्रेवी में। और एक दो मिनट के लिए इसको भून लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और ये वही पानी है जिसमें हमने छोले बॉईल किए थे, उसी पानी को हमने ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करना है। और यहाँ मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, वैसे भटूरों के साथ में ऐसी ही ग्रेवी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इसको लिड लगा दिया है। हमें अब इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो गैस पे पकने देंगे। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं एक बार। देखिए छोले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। मिक्स कर देते हैं एक बार अच्छे से। देखिए बहुत अच्छे छोले बने हैं।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पे धनिया डाल रही हूँ। हाँ, मैं छोलों को बड़े से एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और अब हमें इसे एक तड़का लगाना है। यहाँ पे मैं तड़का पैन लिया हुआ है, उसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला हुआ था, हरी मिर्चें डाल दी, कसूरी मेथी और थोड़ा सा अदरक डाला हुआ है, लंबाई पीसेस में कट करके बारीक बारीक से भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और गैस बंद कर कर इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी 1 चम्मच। ज़्यादा पकाना नहीं है, अब इन्हें हम छोलों के ऊपर डाल देंगे। ये लीजिए, तैयार है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल छोले। अब हम भटूरे बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आटा भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, एकदम तैयार हो गया भटूरे बनाने के लिए। तो भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए इसकी लोइयाँ तोड़ के रख ली थी। इस साइज़ की ही लोई बनाएंगे भटूरे बनाने के लिए। बेलन पे भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। भटूरे को बेल लेंगे, ऑयल लगाकर ही बेलना है इसको, आटा लगाकर नहीं बेलना। थोड़ा हल्के हाथों से बेलेंगे। मैदा क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, इसको ऐसे थोड़ा सा हाथों से आपको जैसे रोटी को करते हैं वैसे दबाना है, और ऐसे स्ट्रेच करके खींच के आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ऑयल गरम करके रखा हुआ है मैंने, उसमें डाल दूंगी मैं। और गैस जो है हमें फुल फ्लेम ही रखना है, तो ही आपके भटूरे जो है एकदम फूले फूले बनेंगे। ऐसे हल्का सा फूलते ही आपको दूसरी तरफ पलट देना है। एक साइड से जैसे ही फूल जाएगा आप दूसरी तरफ पलट दीजिए। देखिए, भटूरे एकदम फूले फूले बनेंगे। देखिए कितना अच्छा भटूरा बना है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ऐसे ही मैंने सारे भटूरे तैयार कर लिए थे, तो अब मैं प्लेटिंग भी कर देती हूँ साथ में ही। प्लेटिंग भी मैंने कर दी है साथ में ही। भटूरे, छोले और थोड़ा सा सैलेड रखा है, साथ में मैंने विनेगर वाला प्याज रखा है जो जैसे रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है। तो आप भी इस वीकेंड अपने घर में इसे बनाकर एंजॉय कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।